Hello friends, welcome to our first lecture on accounting. Guys, I want to start with final accounts today. तो वो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि accounts है क्या. Accounting एक system है friends, एक process है जो business use करता है ताकि वो perfectly calculate कर सके कि उसका profit कितना आया है और business चल कैसा रहा है, business की financial position क्या है. Okay? सो फाइनल अकाउंट्स ये लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में. ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस अकाउंटिंग सिस्टम फर्स्ट. स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस. सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज का. जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो पहले एक जर्नल होता है, एक बुक होता है, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाता है. वो तरीका क्या है मैं आप सबको बाद में समझाने वाला हूं. आप पहले बस इतना जान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप जो है उसे जर्नल एंट्रीज कहा जाता है. सेकंड होता है लेजर, थर्ड होता है ट्रायल बैलेंस, एंड फोर्थ स्टेप, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. लेजर और ट्रायल बैलेंस क्या है मैं आपको एंड टाइम समझाने वाला हूं. सो सबसे पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट्स समझाना चाहता हूं. सो गाइस, टू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स वी नीड टू लुक एट अ स्टोरी. ओके, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं. बहुत गौर से कहानी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है. सो द स्टोरी बिगिंस. ये स्टोरी है रणवीर और दीपिका की. ओके, आई नो आप किस रणवीर और दीपिका के बारे में सोच रहे हैं, बट ये वो नहीं है. ये है रणवीर, एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर हमने लिया है. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन कॉल्ड रणवीर. ओके, ये एक बहुत पुरानी कहानी है. सो ये लड़का है, ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है. सो ये काम करता है, कुछ पैसे जुटाता है, कुछ पैसे सेव करता है, और वो एक बिजनेस डालना चाहता है. तो कौन सा बिजनेस डाले, तो टी स्टॉल. ये चाय बेचता था पहले किसी और के लिए, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट विथ हिज ओन टी स्टॉल. ओके, सो रणवीर इज गोइंग टू स्टार्ट अ टी स्टॉल. इसके लिए उसने 5,000 रुपीज सेव किए हैं, जमा किए हैं. ठीक है, अब देखिए ये स्पेंड कैसे करता है. सो 3,000 रुपीज ये एक हाथ गाड़ी के लिए स्पेंड करता है, एक कार्ट जिसपे वो चाय बनाने वाला है. राइट, एक दुकान, एक मोबाइल शॉप होती है ना, हम देखते हैं रस्ते पे वैसे. फिर वो 800 रुपए का गैस स्टोव वो लेता है, 300 रुपए के में कुछ वेसल्स आ जाते हैं, चाय पिलाने के लिए ग्लासेस आ जाता है, और 900 रुपए के मटीरियल जो चाय बनाने के लिए लगता है, जैसे कि दूध हो गया, टी पाउडर हो गया, शुगर, जिंजर, एक्सेट्रा. So, ये सब वो खरीदता है और वो बिजनेस शुरू करता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस. ओके, ही इज वर्किंग हार्ड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड बियॉन्ड ही इज वर्किंग. तो उसका काम काफी अच्छा चल रहा है एंड पीपल लाइक हिज टी. सो ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, इतना कि उसका बिजनेस का एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस सब चल रहा है उस बिजनेस से. ठीक है, सो ही इज डूइंग वेल, बट Our hero does not know how much money he is making yet. ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है. So now that he thinks that he is making good amount of money, he plans to get married and settle down. Okay? So ये अपना hero. Now he is doing well. He wants to marry someone and settle down. So he meets a beautiful girl, Deepika. They have an affair and Ranveer is serious about her. So he goes to her father to ask her hand in marriage. Okay? अब देखिए उसका फादर क्या कहता है. फादर रणवीर को पूछता है, रणवीर हाउ मच प्रॉफिट डू यू मेक एवरी मंथ, आई मस्ट नो टू बी सर्टन अबाउट गुड फ्यूचर ऑफ माय डॉटर. ऑब्वियसली बात है, कोई भी फादर पूछेगा. अब प्रॉब्लम यह है कि रणवीर को पता नहीं है. ये समझ लीजिए कि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, मतलब प्रोडक्ट बनाने में और उसे बेचने में, इतना बिजी होता है कि वो काफी बार अपने इनकम एक्सपेंसेस का ट्रैक रखना भूल जाता है. सो यही बात रणवीर के साथ हुई थी. He was a single man who was doing everything. So उसने चाय बनाई, बेची, पैसे कमा लिए, लेकिन उसको एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हो रहा है वो काउंट करना भूल गया है. सो अब वो क्या करता है, दीपिका के पिता उसे मोहलत देते हैं कि वो जाए एक दो महीने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करके वापस आए और इनको जवाब दे. सो रणवीर घर लौट जाता है, जाते जाते डायरी पेन सब ले लेता है और अगले ही दिन से
वो प्रॉफिट कैलकुलेशन शुरू करता है। अब इस तरह एक महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। नाउ उसके बाद जब ये पीरियड खत्म हो जाता है, रणवीर अपनी डायरी लेके बैठता है कैलकुलेशन के लिए। तो जब वो कैलकुलेट कर रहा है, वो देखता है कि उसका इनकम चाय बेच के उसने 31,500 रुपीस कमाए हैं। ओके, 31,500। बट ही शॉक्ड टू सी कि उसका एक्सपेंस 28,000 का है। सो दैट मेक्स हिज इनकम ओनली 3,500 रुपीस इन एंटायर मंथ। नाउ समथिंग इज रॉन्ग। रणवीर देखता है लेकिन वो बिलीव कर ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस। सो इट सीम्स टू हिम दैट ही इज डूइंग वेल, बट ही कैनॉट डू वेल ओनली इन 3,500 रुपीज, राइट? सो ही सीज कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। 3,500 रुपीज ओनली, इतना तो हो ही नहीं सकता, कुछ ज्यादा होना चाहिए। सो रणवीर अपनी डायरी वापस से चेक करेगा, क्योंकि उसे यकीन है उसने कुछ तो भी गलती जरूर की है। तो पूरा चेक करते वक्त उसे ध्यान में आता है कि उसने डायरी में अपने सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं। इनकम तो सिर्फ चाय बेच के आती है, तो इनकम में गलती नहीं हुई है, गलती एक्सपेंसेस में हुई है। क्या गलती की है उसने? उसने बिजनेस के खर्चे जो लिखे, उसके साथ उसने पर्सनल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, वो भी उसने लिखे हैं उस डायरी में, और वो सारे उसने कंसिडर कर लिए, इसलिए उसके एक्सपेंसेस 28,000 आ रहे हैं। तो अगर वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को हटाता है, अब बिजनेस प्रॉफिट अगर उसे कैलकुलेट करना है, तो उसे सिर्फ बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंस इतना ही कंसिडर करना चाहिए, राइट? सो वो रिकैलकुलेट करता है अपने एक्सपेंसेस। अब उसका कैलकुलेशन का फाइनल अमाउंट आता है 18,000, उसके बिजनेस एक्सपेंसेस 18,000 है। सो एज वी नो, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट गाइज? याद रखो, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। हेंस 31,500 माइनस 18,000 गिव्स हिम प्रॉफिट ऑफ 13,500 रुपीज। नाउ ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि ओके, दिस नंबर मेक्स मोर सेंस। 13,500 रुपीज वो पर मंथ कमा रहा है। सो वो खुश होके दीपिका के फादर के पास जाता है, उन्हें अपना पूरा कैलकुलेशन बताता है और फाइनल अमाउंट बताता है। द फादर इज हैप्पी टू हियर हिम, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। ओके, ये है हमारे रणवीर एंड दीपिका। ओके, कूल। नाउ शादी हो गई है, शादी होके 2-4 साल हो चुके हैं, और जो रणवीर का छोटा सा चाय का दुकान था, वो अब एक रेस्टोरेंट बन गया है। He has progressed quite well. He has become successful. और उसने अपने ही एरिया में, yes, ये है रणवीर, successful. Okay? See, he looks so happy. तो उसने अपने ही उसी एरिया में एक जगह रेंट की है, और वहां पे उसने एक अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है। सो अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता, लेकिन उसके साथ मल्टीपल डिशेस वो बेच रहा है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। ये रेस्टोरेंट डालने के लिए उसने काफी चेयर्स, टेबल्स, वेसल्स, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना एक रेस्टोरेंट में, तो वो सब उसने खरीदा है, और काफी सारे लोगों को भी हायर किया है, खाना बनाने वाले, वेटर्स, क्लीनर्स, इन सब को उन्होंने उसने हायर किया है, और ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एकदम लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं। हेंस द बिजनेस इज अ सक्सेस। नाउ द प्रॉब्लम इज, रणवीर का जो पुराना स्टाइल था कि वो एक डायरी में लिस्ट कर देता था कि इतना इनकम हो रहा है, इतना एक्सपेंस हो रहा है, जो वो उसका लिस्टिंग करने का स्टाइल था, अब वो बहुत मुश्किल हो गया है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। नाउ ही इज हैविंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एंटायर मंथ। सो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, राइट? सो रणवीर इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। सो रणवीर अब उस टेंशन में है कि कैलकुलेट कैसे करें।
सो वो एक दिन दीपिका को बताता है, दीपिका उससे पूछती है कि क्या हो गया, बहुत टेंशन में रहते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। सो वो दीपिका को बताता है कि ऐसा ऐसा है, इतने ट्रांजेक्शन है एंड आई डोंट नो हाउ मच आई एम मेकिंग, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि हर बिजनेसमैन को पता होना ही चाहिए कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे पैसा वो बिजनेस में कैसे घूम रहा है, ये हमेशा बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, और ये बात उसको पता नहीं है, तो उसे ये बहुत खटक रही है। सो नाउ दीपिका इज एजुकेटेड इन कॉमर्स, उसे अकाउंट्स की नॉलेज है। सो शी टेल्स हिम कि रणवीर एक काम करो, तुम्हारी डायरी जिसमें तुमने ये सब लिखा हुआ है वो तुम मुझे दे दो, आई विल ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। ओके, सो रणवीर इज हैप्पी फॉर नाउ कि ठीक है चलो ले लो, तुम ट्राई कर लो, दीपिका को दे देता है उसकी डायरी। सो दीपिका काम पे लग जाती है, ठीक है। सो नाउ शी इज फोकस्ड एंड शी इज थिंकिंग कि कैसे करें। आफ्टर फ्यू डेज शी कम्स अप विद अ लिस्ट, ये है वो लिस्ट। सो गाइज यू कैन सी उसने कैसे बनाई है लिस्ट। यू हैव पर्टिक्यूलर्स, एक कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है डेबिट और दूसरे कॉलम पे लिखा है क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन टाइम। पहले जस्ट ऑब्जर्व करो कि आइटम्स क्या क्या है इस लिस्ट में। सेल्स कि कितने डिशेस सेल हो रहे हैं, कैसे बिल बन रहे हैं। परचेसेस क्या क्या माल खरीद रहा है, रेस्टोरेंट्स, वेजिटेबल्स होंगे और ऑयल होगा, काफी सारे ग्रोसरीज होंगे। फर्नीचर है जो चेयर्स टेबल्स लाइट सब लिए हैं वो। ओपनिंग स्टॉक है गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक मतलब जब कोई भी पीरियड शुरू हो रहा है तो उस दिन पे शुरू करते वक्त आपके साथ आपके पास कितना स्टॉक है, कितने ग्रोसरी आइटम्स है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है गुड्स का। फिर कुकिंग गैस जो खाना बनाने के लिए लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर बिल, वेजेस मतलब जो आप आपके वेटर्स को, कुक्स को, लेबरर्स जो होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं उनको जो देते हो वो वेजेस होता है, और जो लेबर्स नहीं होते लेकिन जरा मैनेजरियल लेवल के होते हैं उनको आप सैलरीज देते हैं, तो सैलरीज उसने लिखा है। एडवर्टाइजिंग, रणवीर ने डेफिनेटली कुछ एडवर्टाइजिंग किया होगा अपने रेस्टोरेंट का, तो उसका एक्सपेंस। बाकी कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे तो उसको अदर एक्सपेंसेस में लिखा है। कैश इन हैंड, बिजनेस के पास कितना कैश है। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन हिज बिजनेस। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, रणवीर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। नाउ दिस इज फिनोमिनल, जैसे आपने देखा कि शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उसके पास केवल 5,000 रुपए थे, अब उसके पास 3 लाख है। सो 3 लाख रुपए उसके खुद के हैं। फिर आप देख सकते हैं लोन, कितना लोन है, 1 लाख का। सो ये, फिर फाइनली टोटल देखिए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है, 24 लाख। ओके गाइज, सो बस ये ऑब्जर्व करो अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको ओवर टाइम समझाऊंगा, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे कैसे आइटम्स आ रहे हैं और हो क्या रहा है। तो ऐसी दीपिका ने ये लिस्ट बनाई है। ओके, नाउ ये लिस्ट वो रणवीर को दिखा देती है एंड रणवीर इज शॉक कि अरे दीपिका तुमने ये किया कैसे, क्योंकि इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज थे तो ये तुमने क्या बनाया। तो दीपिका उसको एक्सप्लेन करती है कि जो भी तुम्हारे इनकम्स और एक्सपेंसेस थे मैंने वो कुछ हेड्स के अंदर उनको नोट डाउन किया, जैसे कि कितने डिशेस बेचे तो वो सेल्स हो गया, कितना ओवरऑल ग्रोसरीज कितना खरीदा तो वो परचेस हो गया, लेबरर्स को कितना पेमेंट गया है टोटल थ्रू आउट द मंथ तो वो टोटल वेजेस हो गया। ऐसे ये लिस्ट बनाई जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ओके गाइस, सो याद रखो जो पहले आपने देखा है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ओके, ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं कंसोलिडेटेड लिस्ट, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ दैट बिजनेस। दीपिका ने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है। आपको याद होगा ये क्लास शुरू करते वक्त मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे अकाउंटिंग के, तो ट्रायल बैलेंस थर्ड स्टेप था। ओके, सो दीपिका ने ये लिस्ट बनाई है। अब ये लिस्ट ऑफ आइटम्स वो एक फॉर्मेट में डालने वाली है, दिस इज द फॉर्मेट। अब गौर से देखो क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ रणवीर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्या किया है इसने। सो ये दो साइड्स दिख रहे हैं, राइट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो अज्यूम कीजिए लेफ्ट साइड में जो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिखा है उसे डेबिट साइड कंसिडर कीजिए, और राइट साइड को जो पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखा है उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। ओके, सो वो जो लिस्ट थी वो लिस्ट के आइटम्स उसने कैसे नोट डाउन किए हैं वो देखो। सो लेफ्ट साइड में उसने यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक
50,000, purchases 8 lakh, cooking gas 75,000, wages 4 lakh, ये सब यहाँ पे लिखा है। राइट साइड को उसने सेल्स 20 लाख लिखा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कैन आई से कि बेसिकली उसने राइट साइड को इनकम लिखी है एंड लेफ्ट साइड को एक्सपेंसेस। आर यू नोटिसिंग दिस? राइट साइड को इनकम लिखा है, लेफ्ट साइड को एक्सपेंसेस। सिंपल है गाइस। सो एज वी सेड अर्लियर, इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट। सिमिलरली 20 लाख माइनस 50,000 माइनस 8 लाख माइनस 75,000 माइनस 4 लाख विल गिव यू 6,75,000। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। देखो दोनों साइड ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेम है, 20 लाख। आपने जब ट्रायल बैलेंस देखा था तभी भी आपने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम किया है, उसी तरह यहां पे भी सेम किया है। ओके, सो ये क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड आपको मिला है ग्रॉस प्रॉफिट 6,75,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से यहां पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट बना है, ये वाटर बिल से जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बस गाइस देख लो कि क्या कैसे बनाया है, कैसे फॉर्मेट कैसा है इन चीजों का, ये बस आप जान लो। बाकी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दीपिका ने ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है, ऐसे एक्स की तरह क्रॉस उसने लाया है। और यहाँ पे उसने नए एक्सपेंसेस लिखे हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो भी वो ट्रायल बैलेंस की लिस्ट में थे वो एक्सपेंसेस उसने लिखे हैं, राइट। सो ये 6,75,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 विल गिव यू 3,50,000। नाउ गाइज, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, ओके, फाइनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नेट प्रॉफिट ये उसने कैलकुलेट किया। अब देखो यहाँ पे भी वो टोटल फिर सेम ले आए, ये सबका टोटल 6,75,000 हो गया, इन सबका टोटल यहाँ पे 6,75,000 हो गया, राइट। सो इस तरह से दीपिका ने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया और उसके बाद ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, एंड फिर उसने ये बैलेंस शीट बनाई है। अब ये बैलेंस शीट बस देख लो कैसा है। राइट साइड में एसेट्स लिखे हैं, एसेट्स मतलब बेसिकली व्हाट बिजनेस ओन्स, दैट इज एसेट। तो बिजनेस का फर्नीचर है 6 लाख का और बिजनेस के पास कैश पड़ा है 1.5 लाख का, सो 7,50,000। सिमिलरली बिजनेस के लायबिलिटीज क्या है, मतलब बिजनेस ने क्या लिया है दूसरों से जो वापस देना चाहिए, ऐसा अभी के लिए ऐसा समझ लो। सो कैपिटल जो ओनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 3 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट जो कमाया है 3.5 लाख रुपए, लोन 1 लाख रुपए, सो इन सबका टोटल हुआ 7,50,000। सो देखो दोनों साइड का टोटल एग्जैक्ट सेम है, 7,50,000। सो रणवीर सॉ दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड दीपिका व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस एज ही यूज्ड टू जस्ट लिस्ट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस टू डू द कैलकुलेशन। रणवीर दीपिका को पूछ रहा है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो दीपिका रणवीर को बताती है कि वो जो स्टाइल था उसका पुराना डायरी में नोट डाउन करने का, वो चंद ट्रांजेक्शन्स, फ्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए वो यूज किया जा सकता है, बट एज द साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस व्हेन यू हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको एक सिस्टम की जरूरत है। सो अकाउंटिंग ये एक सिस्टम है एंड फाइनल अकाउंट्स उसका आउटपुट है उस सिस्टम का। सो जो आपने अभी देखा फाइनल अकाउंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या है ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके दो पार्ट्स है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है पोजिशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या है, इनकम स्टेटमेंट में कौन से पार्ट्स थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो था जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो था जिसमें आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, राइट। फिर होता है पोजिशन स्टेटमेंट, पोजिशन मतलब उस एक पर्टिकुलर दिन पे उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, ये मैं आपको, हम ये सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, एक पोजीशन स्टेटमेंट है जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है, ओके। बैलेंस शीट क्या बताता है, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में।
So financial statements include these income statements and one position statement. ये सब साथ में ही बनता है. बगैर इनकम स्टेटमेंट के पोजीशन स्टेटमेंट अधूरा है, या बगैर पोजीशन स्टेटमेंट के इनकम स्टेट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से अब बिजनेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. ओके गाइस, सो दैट वाज योर क्लास. ओके गाइस, सो नाउ आई होप आपको समझ गया है, बेसिक आइडिया आ गया है कि फाइनल अकाउंट होता क्या है. नाउ वील जस्ट टेक दिस शॉर्ट क्विज. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, which step in accounting process. ये जो final accounts है, ये कौन सा वाला step है accounting process का? Is it the first step, second step or final step? Okay guys, just write down somewhere. 15 seconds है आपके पास. Preparation of final accounts is which step in accounting process? First, second or final? लिख लिया सबने? Okay. So I'll just tell you the answer is C. It is the final step. As the word says, final accounts, it is the final step in the accounting process. Second question, which of the following is not part of final accounts? Kaun sa, inme se kaun sa option part nahi hai? Balance sheet, trading account, machinery account, profit and loss account. Kaun sa hai guys? So the answer is option C, machinery account. It is not a financial statement. Final account ka part nahi hai. Machinery account ek ledger hota hai, lekin wo final accounts ka part nahi hota. Okay, next question. Which of the following expenses will not be considered while preparing accounts? Kaun sa expense isme se consider nahi kiya jayega? Is it option A, B, C or D? 10 seconds. Okay guys, so it is option C, house rent. House rent आप business के accounts बनाते वक्त consider नहीं करेंगे. क्यों consider नहीं करेंगे? क्योंकि रणवीर ने यही गलती की थी. उसने personal expense को business expense में जोड़ा. उससे क्या होता है, आपका business का result जो profit है वो कितना है आप गलत calculate करोगे, right? इसलिए पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के अकाउंट्स में नहीं कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड व्हाट? जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है सारे इनकम एक्सपेंसेस की, उसको क्या बोला गया था? ए, बी, सी या डी? 10 सेकंड्स. Okay, so the answer is option C, trial balance. हमने जो consolidated list देखी थी, जो दीपिका ने बनाई थी, वो क्या था? Trial balance था, जिसमें उसने सारे incomes, expenses, asset, liability सब mention किए थे, right? Next question, which of the following is a position statement? कौन सी statement आपको business की position बताती है? Option A, B, C या D? 10 seconds. So guys, the answer is option D, balance sheet. Balance sheet वो statement है जो आपको business की position बताती है कि आपके कितने assets है, कितने liabilities है ये. Okay. So guys, I hope ये video से आपको फायदा हुआ है, आपको समझ में आया है कि final accounts क्या है. So now in the next class, we'll look at final accounts in much more detail. Until then, thanks and goodbye. Take care.